दिल्ली और आगरा जैसा शहर मुसलमानों के बगैर भारत रॉकेट टेक्नोलॉजी से भी महरूम रहता, क्योंकि इसे बनाने वाला टीपू सुल्तान एक मुसलमान था। मुसलमान अगर भारत न आते तो आपको समोसा, बिरयानी, कबाब, रोस्टेड और कीमा जैसे लजीज खाने भी देखने को ना मिलते। यहाँ तक कि आप खिचड़ी से भी वंचित रहते, क्योंकि इसे बनाने की विधि मुगलों ने ही विकसित की थी। पुलाव, हलवा, पूरी और मुरब्बा को बनाने का तरीका भी मुसलमान अपने साथ भारत लाए थे। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि अखंड भारत का निर्माण मुसलमानों ने ही किया था। देश के तिरंगे झंडे को डिजाइन करने वाली महिला सुरैया तैयब जी एक मुसलमान थी। दिल्ली, आगरा, लखनऊ, हैदराबाद, औरंगाबाद जैसे मशहूर शहर मुसलमानों ने ही बसाए थे। एक अंदाजे के मुताबिक मुसलमानों ने भारत में 10,000 से अधिक गांवों और कस्बों का निर्माण किया, जो आज भी भारत की शान माने जाते हैं। बारूद बनाने की तकनीक मुसलमान ही भारत लेकर आए थे। भारत में सबसे पहले तोपखाना का निर्माण और तोप का इस्तेमाल मुगल बादशाह बाबर ने किया।